18 अप्रैल 2020 को मैंने एक एप्लीकेशन अपने टेलीग्राम ग्रुप के चैनल में पोस्ट किया था, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ है MI-12 एलिजिबल टेस्ट। तो ये एप्लीकेशन का काम क्या है और इससे आप क्या चेक कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको करना क्या होगा कि मेरे टेलीग्राम से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। तो उससे पहले इस वीडियो को देख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करके इसे इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल करने के बाद आगे का प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसा कि ये डाउनलोड हो चुका है और अभी इंस्टॉल हो रहा है, जैसे कि Xiaomi के जरिए इसे यूज़ करेंगे तो ये स्कैन वगैरह लेता है, उसके बाद बैक कीजिए या तो फिर डायरेक्ट ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद आपके सामने सबसे पहले यहाँ पे देखिए ऑटो डिटेक्ट का एक ऑप्शन आता है। यहाँ पे जैसे आप टैप करेंगे, यहाँ पर आपका डिवाइस कौन सा है, आपका डिवाइस कौन सा वर्जन के ऊपर रन कर रहा है, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक चीज़ जो है, इफ़ दिस इज़ नॉट योर डिवाइस देन क्लिक हियर। अगर आपका डिवाइस यहाँ पे नहीं है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप मैनुअल भी अपना डिवाइस को चॉइस कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए पोको F1 है, पोको X2, रेडमी K30 4G, उसके बाद रेडमी नोट 9 प्रो, 9S, 9 प्रो मैक्स, 7 प्रो और भी बहुत सारे यहाँ पे डिवाइस। तो फिलहाल मेरा जो डिवाइस है वो रेडमी नोट 8, तो नोट 8 में मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिए ये है रेडमी नोट 8, जैसे मैं यहाँ पे टैप कर देता हूँ, उसके बाद यहाँ पे चेक, यहाँ पे जैसे आप चेक करेंगे कि एडवर्टाइजमेंट चलेगा और एडवर्टाइज भी किस लिए दे रहा है वो भी आप लोग जानते हैं। उसके बाद यहाँ पे क्लोज़ कर दीजिए। जैसे आप क्लोज़ करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉन्ग्रेचुलेशन योर डिवाइस इज़ एलिजिबल फॉर MIUI 12, यानी कि आपको बताया कि आपके डिवाइस में MIUI 12 को मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो अब बात करते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है ये ऑफिशियली है या अनऑफिशियली। तो सबसे पहले इसको बात करेंगे कैसे आप इसे चेक कर सकते हैं। तो इसे चेक करने के लिए आपको वापस से प्ले स्टोर पर जाना है, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं। तो इसका देखिए आपका जो डेवलपर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा डेवलपर है, अल्फा डेवलपर ऑफिशियली, और ये जो डेवलपर है ये Xiaomi का डेवलपर, यानी कि Xiaomi के MIUI 12 वगैरह के ऊपर ये काम करता है। तो उनके पास हो सके ये लीक इन्फॉर्मेशन मिली है कि MIUI 12 का अपडेट जो है वो किन किन डिवाइस में मिलेगा, और उसके बाद उन्होंने एक ऐप को रेडी किया है कि आप किस तरह से आप चेक कर सकते हैं कि आपके डिवाइस में MIUI 12 का सपोर्ट करेगा या नहीं। और यहाँ पे देखिए ये अभी फुली रिलीज़ नहीं हुआ, टेस्टिंग पे चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ का शेयर बटन आपको देखने को नहीं मिल रहा है। अभी क्लियर कर देता हूँ कि ये ऑफिशियली ऐप है या नहीं। तो ऑफिशियली ऐप अगर आपको चेक करना है, सिंपली यहाँ पर लिखना है Xiaomi, आपको कुछ इस तरह सा, जैसे आप Xiaomi लिखेंगे यहाँ पे टैप कर दीजिए Xiaomi के ऊपर। अब देखें यहाँ पे Xiaomi के बहुत सारे एप्लीकेशन आ चुका है, जैसे कि पोको आया है, उसके बाद फाइल मैनेजर, उसके बाद MI Store। तो MI Store में टैप कर देता हूँ, देखिए यहाँ पे क्या लिखा रहा है, ओपन मेरा पहले से इंस्टॉलर। अब देखिए यहाँ का जो डेवलपर, यहाँ पर आप देख सकते क्या आ रहा, Xiaomi। तो अभी जो मैंने आपको एप्लीकेशन दिया है कि एलिजिबल टेस्ट है कि नहीं, ये Xiaomi का ऑफिशियली ऐप नहीं है, लेकिन ये Xiaomi के डेवलपर ही इसे रिलीज़ किया है। तो मैंने क्लियर कर दिया आप लोगों की, ये Xiaomi का ऑफिशियली ऐप नहीं है, Xiaomi का डेवलपर ही इसे रोल आउट किया है और उनके पास लीक इन्फॉर्मेशन होगी जिसके लिए ये एप्लीकेशन रोल आउट किया है। तो आप भी इसे चेक कर सकते हैं आपके डिवाइस में MIUI 12 एलिजिबिलिटी है या नहीं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर छोटे मोटे टेक की वीडियो लाते रहता हूँ। और साथ साथ मेरे जो टेलीग्राम ग्रुप का चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यूट्यूब से पहले यहाँ पे अपडेट दे देता हूँ। तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा मेरे वीडियो सबसे आगे देखने के लिए। थैंक यू।